आया है वो आंकड़ों में आपने देखा है। इसके अलावा हम लोग ने क्या किया कि कुछ एक्सपर्ट्स को, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को भी, जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा था वो शेयर किया, और सबने अपना इंडिपेंडेंट मॉडल्स बनाए। तो वो मॉडल्स का ब्यौरा हम देना चाहेंगे, और उसमें क्या क्या उनके एस्टिमेट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे, एंड फिर आपको बताएंगे कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट कैसा हुआ उसे। तो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मॉडल्स जो बनते हैं वो डेटा बेस्ड होता है, और जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है वही यूज़ किया सबने, और मॉडल्स कई तरीके होते हैं, स्टोकेस्टिक होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक होता है, प्रोबेबिलिस्टिक, रिप्रोडक्टिव, बहुत सारे होते हैं साइंटिफिक मॉडल्स। बट चैलेंज क्या आता है कि इन पैंडेमिक लाइक कोविड-19 देर इज़ नो पैरेलल अवेलेबल डायरेक्टली, सो वी आर लर्निंग एज वी आर गोइंग, एंड द डेटा इज सेल्फ इज शोइंग दैट जो हमारा लॉकडाउन का इम्पैक्ट था उसमें फ़र्क पड़ रहा है। तो जितना कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है उतना डेटा ज़्यादा चाहिए होता है, बट वॉट एवर डेटा इज अवेलेबल उसके हिसाब से मॉडल जो लोग ने बनाया है वो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के बारे में आपने सुना होगा, इन लोग ने भी एस्टिमेट किया है, इनका थोड़ा एडवांस मॉडल है, साइंटिफिक है, इट्स नॉट दैट अदर्स आर नॉट साइंटिफिक, बट इन लोग ने दो अप्रोच लिए हैं, दो सिनेरियोज लिए हैं कि रिप्रोडक्शन रेट कैसे चेंज हो रहा है। उसके बेस पे इनके जो आंकड़े आ रहे हैं, 36 लाख से 70 लाख के केसेस हो सकते थे अगर लॉकडाउन नहीं होता, और लाइफ सेव्ड वुड हैव बीन बिटवीन 1.2 लाख टू 2.1 लाख। बॉटम राइट में आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स है वो, उसमें आपके आंकड़े दिख रहे हैं। दूसरा, फिर हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया था, इन लोग ने भी एस्टिमेट्स किए, इन लोग ने डेथ पे फोकस किया है, तो डेथ रेट्स के हिसाब से, इनके हिसाब से ये जो आ रहा है करीब 78,183 डेथ्स अवॉइड किए हैं। सो इमेजिन हमारा कहाँ आंकड़े आज हैं एक्चुअल में, और कितना मॉडल बेस्ड एस्टिमेट से आ रहा है। तीसरा जो है, दो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, इन लोग ने भी स्टडी किया और एक मॉडल लगाया है, और अजम्पशंस दिए हुए हैं इसमें स्लाइड्स में, बट ब्रॉडली ये बता रहे हैं कि करीब 23 लाख केसेस को अवर्ट किया है, मतलब जो अभी हमारे जो आंकड़े हैं उससे उसके उसके जगह पे 23 लाख और बढ़ता, और डेथ्स थे करीब 68,000 और होते कंपेयर टू 3,000 और जो हमारे हैं। नेक्स्ट, दे वी हैड अप्रोच सम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, सम ऑफ देम वर रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल स्टेटिस्टिक्स, इन लोग ने भी एस्टिमेट किया इंडिपेंडेंटली, सबका इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं। इनके हिसाब से करीब 15.9 लाख केसेस हम लोग ने अवॉइड किए हैं, और डेथ्स करीब 51,000। सो आप देख रहे हैं थोड़ा वेरिएबिलिटी है। इसके बाद हमारे मंत्रालय ने इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर काम किया, एंड हम लोगों ने देखा करीब 20 लाख डेथ्स अवर्ट किए हैं, सॉरी 20 लाख केसेस अवर्ट किए हैं, और डेथ्स अवर्ट है 53,000, 54,000 रफली। तो अगर आप इसका समरी देखें जो आपको इकट्ठा बताएगा, बाय एंड लार्ज कुछ के एस्टिमेट्स लाखों में हैं, पहला वाला और बढ़ के है। सो व्हाट वी फाउंड कि हमने ने जो सिंपल मॉडल लगाया उसके हिसाब से भी 14 लाख से 29 लाख तक के केसेस हम लोग ने अवर्ट किए हैं, और बाकी जितने एस्टिमेट्स हैं उसी रेंज के अंदर आ रहा है। सिमिलरली जो डेथ्स अवर्ट किए हैं, दिस कैन वेरी बिटवीन 37,000 टू 78,000, एंड ऑल द डेथ्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट वन इज विद इन दैट रीजनेबल रेंज। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एस्टिमेट्स हम लोग ने बनाए, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे ये पाया गया कि मोस्ट ऑफ द डेथ्स दैट कुड हैव बीन अवर्टेड, द केसेज दैट कुड हैव बीन अवर्टेड आर वेल विद इन अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ डिफरेंट मॉडल्स बाय इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स। सो वी हैव फुल कॉन्फिडेंस जो मॉडलिंग की गई है, इट वुड हैव शोन यू कि लॉकडाउन अगर नहीं होता
तो कितने केसेस और होते. सो दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव दैट द लॉकडाउन विद द फुल कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक हैज पेड रिच डिविडेंड्स. सो ओवरऑल समराइजिंग वंस अगेन, दिस आर द फिगर दैट वी आर इन्फॉर्मिंग टू द पब्लिक दैट we have averted anything between 14 to 29 lakhs of cases and deaths between 37,000 to 78,000. Now this gives us confidence that we are on the right track, and with the containment measures, the way we are opening up the economy, the way the people have been sensitized, it will have hum logon ne public health foundation of india ko request kiya tha, in log ne bhi estimates kiye, in log ne death pe focus kiya hai. तो डेथ रेट के हिसाब से, इनके हिसाब से ये जो आ रहा है करीब 78,183 डेथ्स अवॉइड किए हैं. दो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, ब्रॉडली ये बता रहे हैं कि करीब 23 लाख केसेस को अवॉइड किया है. मतलब जो अभी हमारे जो आंकड़े हैं उससे उसके जगह पे 23 लाख और बढ़ता, और डेथ्स थे करीब 68,000 और होते.